शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों। जबलपुर से लखनऊ वापस आए और वहां से आप दिल्ली गए, दिल्ली से बंबई अकेले आए। वो अकेले कभी नहीं जाते थे, हमेशा माता ही साथ जाती थी। इतना लंबा सफ़र उन्होंने अकेले ही किया। दिल्ली से बंबई गए, बंबई में मैरन ड्राइव सेठ बालकिशन जी के यहाँ जाके ठहरे। पहले आपका इरादा किसी दूसरी जगह ठहरने का था, वहाँ सत्संग होता था। बंबई में दो चार भाई आया करते थे, उन्हें चिट्ठी लिखी कि मैं आपके यहाँ ठहरूंगा, लेकिन सेठ बालकिशन जी की चिट्ठी आई कि महाराज हमारे यहाँ ठहर जाएं, बड़ी कृपा होगी। उन्होंने कहा कि भाई अगर मित्तल साहब एग्री कर जाएं तो ठीक है। मित्तल साहब मान गए, सोचा मैरिन ड्राइव अच्छी जगह है, वहाँ अगर ठहरेंगे तो आराम मिलेगा और लोगों का फायदा होगा। सेठ बालकिशन जी के यहाँ ठहरे, कुछ थोड़ा सा दर्द उनकी कमर में था, सिकाई कराई गई, हल्का सा भोजन किया, समुद्र को बड़े गौर से देखा। दूर तक मैरिन ड्राइव से समुद्री समुद्र नजर आता है, उसकी वास्टनेस को गौर से देखा। उसके बाद सत्संग, शाम का सत्संग समाज शुरू हुआ, सत्संगी भाई लोग पधारे। वह सत्संग बड़ा विशेष सत्संग था। इस सत्संग में उन्होंने भगवान राम की कथा छेड़ी। वह प्रसंग दिया कि रावण मृत्यु शैया पर पड़ा है, उसके हृदय में बहुत भारी पश्चाताप है, पश्चाताप हो रहा है कि तूने बहुत बुरा किया, भगवान राम से दुश्मनी की, अपना सारा कुल नष्ट हो गया इत्यादि। भगवान राम ने उसी वक्त लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि जाओ, रावण बड़ा राजनीतिज्ञ है, उससे राजनीति सीख कर आओ। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि इनसे बड़ा राजनीति कौन कर सकता है, अब मुझे वो क्या शिक्षा देगा, मैं तो इनकी शक्ति का एक स्वरूप हूँ, मुझे झुका रहे हैं, लेकिन यही इन जाने इनका राज, आज्ञा तो आज्ञा है। चले और आगे जाकर चरणों में खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो रावण देखकर बड़ा हर्षित हुआ, ओहो मैंने सच्चे हृदय से याद किया था, और उन्होंने अपनी शक्ति को झुका दिया, राजनीति तो वो क्या कर पाया। आंसू झलक गए, गदगद हो गया, अब गदगद होकर प्रभु की याद में उसने शरीर छोड़ दिया और परम पद को प्राप्त किया। इसके बाद कहने लगे कि देखो, आजकल का जो जमाना है बड़ा कमजोर जमाना है, कलयुग का सतयुग था, हमारे अंदर शक्ति थी, बड़ी सुविधाएं थी, हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे, वहां पर आया तपस्या का समय घट गया, तीर्थ में और छोटा हो गया, अब तो कलयुग है, अब तो तपस्या बनती ही नहीं, कोई साधन उपलब्ध नहीं, न शक्ति है, न ब्रह्मचर्य है, न समय है किसी के पास, कुछ भी उपलब्ध नहीं, क्या है ये कह रहे कि देखो भाई, जो परमात्मा है वह हमारी सबसे बड़ी माँ है, हम उसके अंश हैं, हमारा रियल मदर उसके अंश, तो माँ को अंश से बड़ा प्यार होता है। अब दुनियावी तरीके से समझाते हैं कि एक माँ है, उसके चार पुत्र हैं, एक ICS डिप्टी कलेक्टर है, माँ उसकी तरफ से हमेशा बेफिक्र रहती है कि वह तो मजे में है, आनंद कर रहा है। दूसरा PCS है, ये भी मौज कर रहा है, कोठी में रहता है, मजा करता है, उसकी तरफ से ही माँ बेफिक्र है। तीसरा अकाउंट ऑफिसर है, चलो भाई ये भी खाता पीता है, घर मिला हुआ है, आराम से है,
उसकी तरफ से भी माँ बेफिक्र है। चौथा पुत्र उसका जो है वह रोगी है, उसकी देखभाल माँ स्वयं करती है और काम करती है, तो भी उसकी निगाह उस बीमार पुत्र की तरफ ही रहती है। और जहां बच्चे ने चीखी, मां भागी, सब काम छोड़कर उसे गोदी में उठा लिया। तो भाई हम तो कलयुगी रुगड़ बच्चे हैं, जरा सी चीख करें तो भगवान दौड़कर अपनी गोद में उठा लेगा। आजकल सबसे अच्छा तरीका परमात्मा को पाने का यही है, पश्चाताप करो अपने दुष्कर्मों पर, परमात्मा के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, वे आपकी आत्मा को ऊंचा उठाता चला जाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है परमात्मा को पाने का। उसके बाद अब जल्लाल में आकर कहने लगे कि क्या परमात्मा इसे नहीं तारेगा। ऐसा कहने के बाद बड़ा भारी जल्लाल हुआ, रोशनी पैदा हुई और एक बीम ऑफ लाइट उनके शरीर से निकलती देखी। उसके बाद आपका शरीर एक तरफ को लग गया, आपको दूसरे कमरे में ले गए, लिटा दिया गया। लोग बड़े चिंतित हुए, बड़ी भारी दौड़ हुई। आप होश में आकर कहने लगे कि हमें छोड़ें, हम जानते हैं, आप हमें ग्लूकोज और नींबू दे दो, सब बाहर आ जाइए। ग्लूकोज और नींबू दे दिया गया, सबको बाहर कर दिया और उसी समय आपने समाधि ले ली। डॉक्टर बुलाया गया, हार्ट फेल बताया। और जब ये फिर चिंतित हुए, टेलीफोन करने शुरू किए, बड़ी प्रार्थना की कि वापस आ जाएं। इसी बीच अरविंद आश्रम के दो सन्यासी पधारे, आकर आपने देखा शरीर के पास ध्यान में बैठ गए, अपूर्ण समाधि मंत्र बोलकर चले गए। अब इस बात की कोशिश मत करो कि वापस आए, उन्होंने वो गति पाई है जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है। अब आप इनके शरीर का इंतजाम करो। अब ये सलाह की गई कि इनका दाह संस्कार लखनऊ में किया जाए। काफिन उनका बंबई से लखनऊ लाया गया और जब उनका शरीर दाह संस्कार के लिए बाहर निकाला तो उनके शरीर के साथ हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। एक अजीब नज़ारा था। जब शव शमशान भूमि पर पहुंचा तो पहले मुस्लिम भाइयों ने अपनी असम रदा की, जो उनका तरीका था उसी तरीके से किया गया और कहा कि हमारे यहाँ दफनाते हैं और आपके यहाँ जलाते हैं, लेकिन रूप का जहाँ तक ताल्लुक है, जितना आपका है उतना हमारा भी। इसके बाद फ्रेंच लेडी ने कहा, जो इनके साथ आई थी, कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, सबने सुना। उसने कहा कि आज से 10 वर्ष पहले इन महात्मा जी से मिली थी और इनसे बड़ी प्रभावित हुई थी। जब मैं जाने लगी तो मैंने इनसे पूछा, अब मैं दोबारा कब मिलूंगी? इन्होंने इशारा किया कि यू विल कम ऑन माई बरियल। मैंने कानपुर में भीड़ देखकर जब पूछा तो पता लगा कि ये वही संत हैं जिनसे 10 साल पहले मिली थी। इसके साथ राम उनके साथ, के राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान अधारा, कि ध्वनि के साथ आपका दाह संस्कार हुआ। अगले रोज लखनऊ के जितनी हिंदी और अंग्रेजी के न्यूज़पेपर थे, सब में एक ही हेडिंग था, आधुनिक कबीर। तब लोगों को ये ख्याल हुआ कि लाला जी महाराज ने जो कहा था वह सच था, कि कायदा कुलिया नहीं, कि हमेशा कमजोर संतान से कमजोर ऐसा शेर पैदा हो सकता है अगर परमात्मा चाहे, जो आज से 500 साल पहले हुआ हो। इतनी प्यारी हस्ती थी, जितनी हिंदुओं में थी उतनी मुसलमानों में थी। लखनऊ के बड़े बड़े मौलवी
एवं सूफी आते थे, ऐसी सुंदर हस्ती लाला जी महाराज की वाणी सच निकली और आज हम उनके फैज से फैजियाब हो रहे थे। जो उनका लगाया हुआ पौधा था आज बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, अच्छे अच्छे साधक आ रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे अपना जो सत्संग है सब आंतरिक है, दिखावे का नहीं। जहां भी सत्संग होता है बड़ा आनंद आता है, अंदरूनी है, शांति मिलती है, चित एकाग्र होता है, आनंद मिलता है। भारत में जहां जहां अपने सेंटर हैं सब जगह इसकी अनुभूति होती है। ये सब उनकी बड़ी कृपा है जो हमें आज नज़ारा देख रहे हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके दिखाए हुए मार्ग पर, उनके पद चिन्हों पर चलते रहें, लकीर के फकीर बने रहें, एकदम इधर उधर न जाएं। यही परमात्मा से हमारी प्रार्थना है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सतगुरुदेव जय पद शरणम श्रेय स्वरूप चरणों। पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें बहुत डिटेल में आपके सामने रखा। सबसे पहले यह निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूरत, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, चुने। मंत्र जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, चुने। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है, शरीर के साथ बड़ी बड़ी आंखें हैं, बनाइए ख्याल से, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाए। और जब वो स्पष्ट सामने हो जाए उस पवित्र मूरत को अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से, इतने प्यार से ये काम करना है कि जब भी आप ध्यान करते हैं या पूजा में बैठते हैं उस समय आपके मन के अंदर और कोई दूसरा विचार नहीं रहना चाहिए। अगर कोई विचार आता है तो विचार को हटाइए, अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से चार विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग्य। अभ्यास, अभ्यास करने ही से, बाय प्रैक्टिस एक दिन इतना अच्छा ध्यान लगेगा कि आप दंग रह जाएंगे। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री सुरेश जी जो मथुरा से पधारे हैं भजन कहेंगे। छोड़
हे प्रभु जाऊं कहां, कोई नहीं दुनिया में मेरा आसरा, पाऊं जहां छोड़ कर फरियाद हूँ, मैं वही फरियाद हूँ जिसको सुनने वाला कोई नहीं, तुमने जो देखो भी सारा प्रभु ने जो मुझको भी सारा, और मैं पाऊं कहां छोड़ कर चरणों को तेरे। हे प्रभु जाऊं कहां, कोई नहीं दुनिया में मेरा आसरा, पाऊं जहां छोड़ कर चरणों को तेरे। खावर में भैया फंसी, भावर बीच में भैया फंसी, किस जा बसे गुरुवर मेरे भावर में फंसी, कित जा बसे गुरुवन मेरे क्या करता मुझसे हुई, तुम हो गए किस जानी हा, छोड़ कर चरणों को तेरे। प्रभु जाऊं कहां, कोई नहीं दुनिया में मेरा आसरा, पाऊं जहां छोड़ कर चरणों को तेरे। क्या कहूँ किससे कहूँ, क्या कहूँ किससे कहूँ, गुरुदेव दो इतना बता, क्या कहूँ किससे कहूँ, गुरुदेव दो इतना बता, खून हारा हूँ मगर धून हारा हूँ मगर,
मिलता नहीं उसका मकान, सुनहरा हूँ मगर मिलता नहीं उसका मकान, छोड़ कर चरणों को तेरे हे प्रभु जाऊं कहाँ, कोई नहीं दुनिया में मेरा आसरा, आऊं जहाँ छोड़ कर चरणों को। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।